नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे मॉर्फो की मशीन की केबल को चेंज करना। ये देखिए हमारी केबल है जो कट चुकी है कनेक्टर के पास से। ये मॉर्फो की मशीन है, रेड कलर की आती है ये। सिर्फ इसके देखिए चारों तरफ जो लाइनिंग जैसा शेप दिख रहा है, यही लाइनिंग शेप से हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। ये लैपटॉप ओपन करने का एक लाइनर आता है, इसकी मदद से ये लाइन के अंदर इसको डाल के इसको अपर की तरफ पुश करेंगे। और थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि नई मॉर्फो मशीन है, फर्स्ट टाइम ओपन हो रही है, तो इसमें वक्त लग सकता है। ये नाखून की मदद से भी इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ओपन हो रही है मशीन, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये वापस लाइनर डालेंगे और इसको ओपन करेंगे। ये देखिए हमारी मशीन ओपन हो चुकी है। अभी हम इसका जो कनेक्टर है इसको ओपन करेंगे। कनेक्टर को निकालते समय ध्यान रखें कि केबल के कनेक्टर को नुकसान ना हो। अभी हम देखेंगे DI जो केबल है, अच्छा ब्रांड है इसका, केबल हम यूज़ करेंगे। केबल के कनेक्टर को लगाने से पहले देख लें अच्छे से कैसे लगाएंगे। ये हिस्सा अपर वाला ऊपर रखना है और अंदर कोई भी कनेक्टर की केबल मुड़े ना, इसका ध्यान रखते हुए इसको लगाएं। और नाखून की मदद से या चिमटी की मदद से इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से करेंगे। बाकी पार्ट को हम साइड में कर देंगे और अभी इसको पैक करेंगे वापस। नीचे वाले हिस्से में रख के देखते हैं यहाँ पैकिंग होगी या नहीं होगी। यहाँ नहीं लग रहा है होगी, तो हम अपर वाला जो हिस्सा है उसमें इसको मशीन को डालेंगे और इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में जो कनेक्टर ओपन है उसको ध्यान में रखते हुए इस केबल को मोड़ के देखिए यहाँ शेप बना हुआ है इसका, तो इस शेप में डालेंगे। ध्यान रखें केबल मोड़े ना, केबल कटे ना। अगर कट गई केबल तो ये मशीन नहीं चल पाएगी। ये देखिए हमारा कनेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है केबल में, इसको थोड़ा शेप में डाल के वापस इसको बंद करेंगे। इस तरीके से इस होल के अंदर अच्छे से डालेंगे इसको और इस तरीके से देखिए एकदम पूरा कनेक्ट हो चुका है। इसको फेविक्विक या सेलो टेप की मदद से हम इसको चिपका देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।